आज मैं आपके लिए क्लास 9th का संस्कृत का मिड टर्म का पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसका PDF डाउनलोड करके आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका PDF आपको एपेक्स कोचिंग सेंटर FB ग्रुप से मिल जाएगा। ये लास्ट ईयर का पेपर है, दैट मीन्स 2018-19 का पेपर है, 80 मार्क्स का पेपर। ऑलमोस्ट पैटर्न संस्कृत में सेम ही है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो इस पेपर से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले एक अनसीन पैसेज होगा जिसे अपठित बोलते हैं, अपठित पैसेज, या फिर आप संस्कृत में आपको पता है क्या बोलते हैं, लिखा हुआ है अपठित अवबोधनम, अवबोधनम। ओके, ये 5 नंबर का, इसमें एक पदिन उत्तर भी, उत्तर वाले क्वेश्चन भी हैं और पूर्ण वाक्य क्वेश्चन, पूर्ण वाक्य वाले क्वेश्चन भी हैं। तो इसके इस सारे आंसर आपको पैसे से ही मिल जाएंगे। तो संस्कृत में आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये इंग्लिश और हिंदी की तरह नहीं है जो यहाँ की आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप आसानी से अगर पैसेज को पढ़ते हैं तो आंसर छाट के आप बता सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी इसी पैसेज से रिलेटेड ही हैं जिसके आंसर आपको देने हैं। जैसा क्वेश्चन बोला गया, जिसका विलोम पद बताना है तो विलोम, सर्वनाम बताना है सर्वनाम, विशेषण बताना है तो विशेषण बताना है, क्रियापद बताना है तो क्रियापद। जैसा क्वेश्चन में कहा गया है क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसके आंसर बताने, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। उसके बाद खंड ख, सेक्शन बी बोल सकते हैं आप इसे, जिसमें एक लेटर होगा और ये 5 मार्क्स का, जिसमें मंजूसा आपको गिवन होगा, जिसमें यानी कि आपको हिंट गिवन होगा, इनमें से आपको चूज करना होगा कौन सा सही कहाँ पर आएगा। तो ये आप आसानी से फिल कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ पर दिनांक आना है, कहाँ पर प्रिय मित्र या मित्र का नाम, या कहाँ पर डेट, कहाँ पर जो भी सारी चीज़ें, या आप आसानी से अगर इसको एक दो बार अगर आप पढ़ेंगे तो ये अपने आप समझ जाएंगे। सिर्फ आपको एक बार कॉन्टिन्यू इसको रीड करने की ज़रूरत होती है और नंबरिंग करके आप आसानी से इसे फिल कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो होगा, वो थर्ड क्वेश्चन में एक चित्र दिया होगा और चित्र देखकर आपको हिंट, जो ये वर्ड मंजूसा दिए हुए हैं, इसकी हेल्प से आपको वाक्य बनाने पड़ेंगे। और कितने वाक्य? पंच वाक्य, यानी पंच का मतलब 5 वाक्य। तो 5 वाक्य बनाने पड़ेंगे, हर क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होगा, कई बार 2 मार्क्स का भी आ जाता है, बट 1 मार्क्स का तो जरूर आएगा। ओके, अब इसमें जैसे कबड्डी खेलते बच्चे नजर आते, तो देखो यहाँ पे मंजूसा में कबड्डी ये सब लिखा हुआ है, तो इसके हेल्प से भी बना सकते हैं आप। और मैं ट्राई करूँगा कि इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ अगर पॉसिबल हुआ तो, जिसमें आपको कुछ सेंटेंस ऐसे बता दूँगा जो आप एग्जाम में उसके हेल्प से आसानी से चित्र देखकर वाक्य बना सकते हैं। और इसी में चॉइस भी होगा, जिसमें जहाँ पे चित्र नहीं होगा और कुछ हिंट दिए होंगे, इस हिंट के आधार पर भी आप 5 वाक्य लिख सकते हैं, यानी दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में हिंदी में सेंटेंस कुछ गिवन होंगे और इसका संस्कृत में अनुवाद करना होगा। जैसे ट्रांसलेशन आप हिंदी से इंग्लिश में करते हैं, इंग्लिश से हिंदी में करते हैं, उसी तरीके से हिंदी से संस्कृत में करना होगा। उसके बाद सेक्शन सी की बात करें, यानी खंड ग की बात करें, तो इसमें आप ग्रामर सेक्शन है सारा का सारा, या फिर क्वेश्चन आंसर भी आप बोल सकते हैं, इसमें सब कुछ गिवन है। जैसा क्वेश्चन में कहा गया उसके अकॉर्डिंग आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जहाँ लिखा हुआ है कि इसको संयोजन करना है यानी जोड़ना है, तो जोड़कर कौन सा वर्ड बनेगा वो आपको बताना है, तोड़ना है तो तोड़ के बताना है, जैसा भी अब सब बोला गया वैसा। यानी जैसे ब्राह्मण सब जो है, इसको अगर आप तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे, संधि विच्छेद जिसे बोलते हैं, तो आप यहाँ पे क्या आएगा वो फिलअप्स में आपको फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी संधि विच्छेद करना है आपको, इसे तोड़ना है अलग अलग। और क्वेश्चन नंबर 7 में शब्द रूप का प्रयोग करके इस वाक्यों को फिल करना है, जहाँ पर आप मुनि शब्द या साइड विद्या और इस तरह के सारे शब्द दिए हुए हैं। संख्यावाचक भी इसमें, दुई भी लिखा है, त्रि भी, यानी आपको संख्या भी, काउंटिंग भी आनी चाहिए, जिसकी हेल्प से आपको ये फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में धातु रूप की हेल्प से आपको इसे फिल करना है, कि जैसे पठती पठत पठंती आपने पढ़ा होगा, तो इसमें मतलब कौन सा धातु रूप आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो इसे फिल करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 में इसकी हेल्प से, जो ब्रैकेट और वर्ड्स दें इनकी हेल्प से इस वाक्य को फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें प्रत्यय पहचानना है और प्रत्यय अलग करके से लिखना है। प्रत्यय के लिए आप जो भी आपने बुक ले रखी होगी, उस बुक में लास्ट में, सबसे लास्ट में प्रत्यय के सारे रूल्स दिए हुए हैं, आप उसे एक बार जरूर पढ़ लेना, अच्छा रहेगा। जैसे लेप प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है, डीप प्रत्यय है, टाप प्रत्यय है, तो जितने भी प्रत्यय हैं सारे प्रत्यय पढ़ लो, इसके रूल्स कि कब कौन से प्रत्यय में क्या शेष रहता है और क्या नहीं रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से इसे कर सकते हो। ये कोई ज़्यादा टफ नहीं होता, प्रत्यय सबसे आसान है। उसके बाद इसमें
उपसर्ग आपको पहचानना है, उपसर्ग अलग करना है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन करके बताया भी गया है, उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द, जो अक्षर या जो शब्द बोलते हैं, जो मुख्य शब्द में जो आगे कोई और शब्द जोड़कर, कोई और अक्षर जोड़कर एक नया शब्द बनाना, तो आगे जो जुड़ते हैं उसे उपसर्ग बोलते हैं, इंग्लिश में इसी को प्रीफिक्स बोलते हैं, और प्रत्यय जो पीछे जुड़ता है उसे सफिक्स बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। उसके बाद सेक्शन डी यानी खंड घ, जो आपके बुक से होगा, और इसमें कुछ लाइंस दी हुई हैं पैसेज के तौर पर, और इसके बेसिस पे आपको आंसर बताने हैं। हो सकता है इसमें आंसर आपको मिल जाए, या कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिसके आंसर आपको इसमें ना मिले। तो ये आपको जो लाइन दी हुई है हिंट है एक्चुअल में, कि ये किस चैप्टर का ये पैराग्राफ, किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आप आसानी से आंसर छाट के बता सकते हैं। इसमें एक वाक्य, एक पदिन भी है, एक पदिन का मतलब एक पद में ही आंसर देना है, और पूर्ण वाक्य का मतलब जिसमें पूरा सेंटेंस लिखना है आपको। और उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, जैसा इसमें बोला गया है वो चीज़ें आपको लिखनी है। जिसमें पर्यायवाची बताना है तो पर्यायवाची, विलोम बताना है तो विलोम, जैसा जिसमें बोला है, क्रियापद बताने तो क्रियापद, सारी चीज़ें बतानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में श्लोक एक लिखा हुआ है 2 लाइन का, और इसके आधार पर इसमें से क्वेश्चन आपको छाट के इसका आंसर बताना है। पूर्ण वाक्य में भी, पूर्ण वाक्य उत्तर वाले क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, और बाकी फिर यहाँ पे पर्यायवाची शब्द या फिर जो क्रियापद है या विशेषण पद है या जो भी है, वो सारे क्वेश्चन पूछा, तो एक ही करके जैसा क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 में उसको पढ़ना है, और इसके, उसको पढ़ने के आधार पे, ये भी पार्ट से ही है बुक से, और इसके आधार पे प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। ये क्वेश्चन नंबर 14 में है, इसका PDF देख लीजिएगा, डाउनलोड करिएगा, उसके बाद आराम से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में प्रश्न निर्माण, और प्रश्न निर्माण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता ही आता है हर बार, कम से कम 5 क्वेश्चन इसके आएंगे प्रश्न निर्माण के। इसके भी छोटे छोटे रूल्स होते हैं, इसके बेसिस पे आप आसानी से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसमें श्लोक दिया हुआ है, और श्लोक के अकॉर्डिंग फिलअप्स आपको करना है, जिसमें आपको हेल्प के लिए मंजूषा भी दी गई है, इस मंजूषा के हेल्प से भी आप कर सकते हो। और उसके बाद इसमें चॉइस भी है, इस चॉइस में दोनों में से कोई एक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो घटनाक्रम अनुसार है, जिसमें इसको एक मतलब सीक्वेंस वाइज जो आपने लेसन पढ़ा होगा, जो पार्ट पढ़ा होगा, पार्ट के आधार पर आपको बताना है कि कौन सी घटना पहले हुई थी और कौन सी घटना बाद में, उसे अरेंज करना है, यानी सबसे पहले कौन सी लाइन आएगी फिर कौन सी लाइन आएगी, तो उसे अरेंज करके तब आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 18 में उसको मिलान करना है पर्यायवाची शब्द के अकॉर्डिंग। तो ये आपका पेपर हुआ 80 मार्क्स का पेपर, उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को लाइक करना, दूसरों तक भी शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए पहले से। चलिए, ऑल द बेस्ट।